हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्तों। आपको एकमात्र ऐसा हमारा क्लब देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको डेली बताया जाता है कि ऐसा आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपे टैक्स करना है, जिससे आप लोग सिस्टमेटिक रूप से अपनी तैयारी कर पाए। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज 21 जुलाई को आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपे टैक्स करना है। जैसा आपको प्रीवियस टेस्ट दिया गया था आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। यहाँ पर आपको कुछ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दी गई थी और साथ में आपको मैपे टास्क भी दिया गया था। इसी तरह से आपको 20 तारीख को भी इस तरह से मैपे टास्क दिया गया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके शेयर किया। लेकिन आप लोग हमें पर्सनली मत शेयर किया करिए, आप ग्रुप में ही शेयर कर सकते हैं जो अपना ग्रुप है। और आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों के आई कार्ड बन गए तो लास्ट में हमने इसमें लिस्ट भी डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आई कार्ड हो चुके हैं, तो हर किसी का आई कार्ड स्क्रीन पे नहीं लगा सकते, तो हमने डायरेक्ट उसमें नाम डाल दिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आज आपका क्या टास्क है देख लेते हैं। तो आज आप लोगों की तैयारी का 16वां दिन है, आपको डेली टास्क दिया जाता है, तो आज 16 दिन आपका हो चुके हैं और आपका टास्क नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट आपको 21 जुलाई देखने को मिलेगी। तो आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये देखिए आप लोग हिंदी में इस तरह से इसका पिक आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा पिक भी लगा दिया है आज हमने, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से। और इसकी कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं, तो लेसन नंबर आपको 7, 8 और 9, यानी कि आज आपको सिर्फ 3 लेसन पढ़ने हैं। और इस एनसीईआरटी को ना केवल आप लोगों को पढ़ना है बल्कि बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों के लिए अभी नोट्स बनाने में, अगर कोई समस्या आ रही है नोट्स बनाने में तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हम एक पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपको कुछ बनाने हैं। तो हल्के हल्के आप लोग बनाएंगे तो हैबिट में आ जाएगा, आप आराम से किसी भी चीज के सिनॉप्सिस और आराम से शॉर्ट नोट्स बना लिया करेंगे। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। इसके अलावा चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप एंड टास्क क्या है। तो मैप एंड टास्क आपको आपको देखने को मिलेगा कि आज जैसे आपके लिए नॉर्थ अमेरिका दिया गया था, आज आपको साउथ अमेरिका दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं साउथ अमेरिका का आपको कुछ मैप देखने को मिलेगा। तो साउथ अमेरिका में आपको देखिए पहला आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो विषुवत रेखा है, वो विषुवत रेखा यानी कि आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसी को विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर को बोलते हैं। तो ये जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका के किन किन देशों से होकर गुजरती है वो आपको बताना है। ओके, उन देशों के नाम आपको लिखने हैं और आप लोग अलग से एक मैपिंग की बुक बना लीजिए, मतलब नोटबुक बना लीजिए, और आपको उसी तरह से लिखते हुए चलना है जिस क्रम में हम आपको सारी लोकेशन दे रहे हैं, क्योंकि जब हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे तो इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा आप लोगों को सर्च करना है कि दक्षिण अमेरिका में इक्वेटर के समीप कौन सा देश है। देखिए इसमें ये नहीं पूछा है कि इक्वेटर से रेखा जो जाती है वो वाला देश बताइए, नहीं। देखिए जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से 0 डिग्री आपको देखने को मिलेगी, जो अक्षांश रेखा है, ये जो रेखा है बताइए सबसे समीप इस इक्वेटर के सबसे समीप कौन सा देश है, किस देश से होकर के गुजरती है ये नहीं बताना है। देखिए ध्यान से देखा करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। ओके, इसके अलावा देखिए साउथ अमेरिका के उन देशों के नाम बताने हैं जो मकर रेखा जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो आपको साउथ में 23/1/2 अक्षांशीय रेखा है उसी को हम बोलते हैं मकर रेखा। और इसी तरह से जो नॉर्थ में होती है 23/1/2 उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन ये आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है, भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उसका नाम भी 23/1/2 आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो नॉर्थ में या साउथ में है। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए किन किन देशों से होकर के गुजरती है वो आपको बताना है। इसके अलावा उन देशों के नाम ये कैसे बताना है, तो आप लोग के लिए एक एटलस खरीद लेना, थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, स्टेट बीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहते हैं, बस थोड़ा सा, मतलब 100-150 रुपए खर्च होंगे आपके, जाकर के कर दीजिए, आपके फ्यूचर बनाने वाला है। क्योंकि यही एटलस जब आपका एक बार अप्रोच बन जाएगा ना, तो आपका जो करंट अफेयर वाली इतनी चीजें होंगी, इंटरनेशनल रिलेशन पे जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। जैसे आप लोगों के लिए जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो भी हम आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वो भी मैपिंग के थ्रू पढ़ा देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे वो भी इसके थ्रू पढ़ा देंगे। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी वो भी इसी के थ्रू आप लोगों को पढ़ा देंगे, और साथ में एनवायरनमेंट भी आपको इसी के थ्रू पढ़ा देंगे, तो आपका बहुत बर्डन कम होने वाला है। तो इसलिए एक एटलस तो खरीदना पड़ेगा आप लोगों के लिए, एटलस खरीद लीजिएगा। ओके, और आपको बताना है कि उन देशों के नाम बताइए जो जहां से
एंडीज पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से एंडीज पर्वत है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी एंडीज पर्वत। ये किन किन देशों से होकर के गुजरती, मतलब इसका विस्तार है वो किन किन देशों में है वो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों के लिए जो चीज बता रहे हैं इसमें आपका माथा पच्ची तो करना पड़ेगा, एटलस को थोड़ा हलवा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको दोस्तों, मेहनत करिएगा, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, ऐसा लगेगा कि एटलस फाड़ के फेंक दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोकेशन नहीं मिलेंगी, छोड़ दीजिएगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आप लोग समझेंगे अच्छा यार ये नहीं मिल रहा था, बड़ा सिंपल था ये तो, अब आपको पढ़ा दिया गया। तो जब आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर ही आप लोगों के लिए मैपिंग भी पढ़ाएंगे, तो समस्या नहीं लेना है, जो नहीं आएगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा करके रख लेना है, ओके। इसके अलावा देखिए आपको कोलंबिया में एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, मैग्डालेना रिवर है, इसको आप लोगों को सर्च करना है। इसके अलावा चिमोराज जो है वो आपको सर्च करना है, क्यूटो है वो आपको सर्च करना है, कोटोपैक्सी है वो आपको सर्च करना है। देखिए इधर भूल जाइए, जैसे इक्वाडोर है वो आपको राजधानी देखने, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो आपको देखने को मिलेगी, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी, अंतरा पर्वतीय पठार है, ये मतलब भूल जाइए, क्योंकि ये तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब, वैसे हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ लिख दिया है यहाँ पर, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है लोकेशन पर कि भैया कहाँ पर है, किधर छुपा बैठा है, अभी इसको देख लें एक बार, इन चीजों को याद नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ एटलस में देखना है, एटलस में देखने के बाद एक ब्लैंक मैप बनाना है और उस पर लोकेट करना है, बस इतना ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। देखिए ये वाली जो लोकेशन है नीचे वाली, ये लोकेशन आप लोगों के लिए फिजिकल मैप पर मिलेंगी, ये आप लोग पॉलिटिकल मैप पर मत खोजने लगिएगा, ओके, किस पर, फिजिकल मैप पर। देखिए दो मैप होते हैं, जैसे ये वाला मैप आपको देखने को मिलेगा ये पॉलिटिकल मैप है जिसको राजनीतिक मैप बोलते हैं, दूसरा होता है फिजिकल मैप जिसको बोलते हैं प्राकृतिक मैप बोलते हैं, उस प्राकृतिक मैप पर ये सारी लोकेशन मिलेंगी, जैसे क्यूटो है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन और सारी ये लोकेशन है ये आपके लिए फिजिकल मैप यानी कि प्राकृतिक मैप पर आपको आसानी से मिल जाएंगी, बिना किसी दबाव के मिल जाएंगी, तो आप लोग के लिए सर्च करनी है। जैसे बोलेवियन प्लेट्यू आपको सर्च करना है, बोलेवियन प्लेट्यू है आपको, यह है अंतरा पर्वतीय पठार आपको देखने को मिलेगा। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, जैसे जो पर्वत है, अब भाई उसके बीच में बेचारा कोई जैसे कि रस्सिया गुंडों में फंस गई, उसी तरह से पठार क्या हो जाता है, बेचारा बीच में फंस जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, पठार पर्वत होते हैं और बीच में पठार होता है, तो इसीलिए इसको अंतरा पर्वतीय पठार बोलेंगे, बोलते हैं, आपको बताएंगे सारी चीजें डीप में पढ़ाया करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा लेक टिटिकाका है, वो भी आपको सर्च करना है कहाँ पर है। इसके अलावा आपको आपको लेक पोपो आपको देखने को मिलेगा, तो पोपो भी सर्च करना है, और आपको ओजोस डेल सलाडो है वो भी आपको सर्च करना है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एकांकागुआ आपको सर्च करना है, एकांकागुआ है ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, इसको भी आपको सर्च करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हम जब वर्ल्ड में पढ़ते हैं तो हमको मेन मेन चीजें पढ़नी होती है, जब इंडिया पर के लेवल पे आएंगे थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, जब स्टेट पीसीएस जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो जिला स्तर पर हम आप लोगों को राज्य के बारे में पढ़ाते हैं, तो आप लोग देखिए ना, तो देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से इस जो पूरा सिलेबस है डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, यहाँ पर 5 महीने में आपकी सारी एनसीईआरटी बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए पढ़वा करके ही कवर करवा देंगे। तो देखिए अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई में देखिए आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी एनवायरमेंट है, तो इसलिए आपको ज्योग्राफी कवर कराया जा रहा है, फिर देखिए इस तरह से सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर कराए जाएंगे। ये टास्क क्या है, जैसे आज आपको टास्क मिला है ऐसे आपको डेली का डेली टास्क मिलता है सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें। ये तो आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको लाइव क्लास भी करनी है, यूट्यूब पर आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास भी देते हैं, जो प्रीमियम क्लासेस होती है, बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस होती है, और एक पीटी और मैथ्स दोनों के लिए होती है, और यहाँ पर प्रॉपर आपके नोट्स भी बनवाए जाते हैं, प्रॉपर हर एक टॉपिक को आपको कवर कराया जाता है। तो आप लोगों के लिए हम 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार लॉन्च किए, इस बार ऐप पर नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर ही आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो एक यूपी पीसीएस का, एक यूपी और साथ में एक बिहार पीसीएस का आपको बैच देखने को मिलेगा। ये 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अभी देखिए एक पीसीएस का बैच है वो 3 बजे आप लोगों का चलता है, पीसीएस का बैच 3 बजे चलता है, लाइव क्लासेस चलती है, इसके अलावा एक 6 बजे लाइव क्लासेस चलती है आईएएस का आपको देखने को मिलेगा, और जो पीसीएस के विद्यार्थी है ना उनको भी ये 6 बजे वाला बैच ज्वाइन करना होता है। क्यों ज्वाइन करना होता है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पीसीएस में बहुत सारा कॉमन सब्जेक्ट है, वो इस वाले बैच में हम कवर करा रहे हैं, जैसा सभी लोग जानते हैं, जो स्टार्टिंग के आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे सब कुछ, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की
तीन बजे, अगर दोपहर 3 बजे आएंगे तो आपकी दो से ढाई घंटे की आपकी यूबीपीसीएस पे क्लास चलती है, और शाम को 6 बजे आप आएंगे तो यहाँ पर लाइव क्लास 2 से 2.5 घंटे की आप लोगों की यहाँ पर आईएएस की यानी कि यूपीएससी की क्लास चलती है। इसके अलावा आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है दोपहर 12 बजे और सुबह 8 बजे आपको टास्क मिलता है। इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए अभी मिलती है। और इसके अलावा संडे को आपको डाउट क्लियर सेशन होता है जूम मीटिंग पर। अभी 2 संडे को नहीं हुआ है, अब इस संडे से आप लोगों का जूम मीटिंग सेशन भी होने लगेगा, और साथ में आप जो टेस्ट है वो तो लास्ट संडे से ही होने लगा था, वो इस संडे को भी आपका होगा। तो अभी ज्योग्राफी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जाती है, तो ज्योग्राफी का ही टेस्ट होता है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस हम आप लोगों के प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चैनल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी। जैसे आईएएस की देखने को मिलेगी, पीसीएस की देखने को मिलेगी, एबीपीसीएस बिहार पीसीएस की देखने को मिलेगी, ये टास्क की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जिस भी प्लेलिस्ट में आपको जाना है आप लोग उसी में जाइए और सभी वीडियो आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब पर डे लगभग 4 से 5 वीडियो आ जाती है, उससे ज्यादा भी कभी कभार आ जाती है, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि कोई भी वीडियो नहीं मिल रही, ये वाली नहीं मिली, वो वाली नहीं मिली। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाना है और आराम से आकर के सर्च कर लेना है। और देखिए यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि हम किस सब्जेक्ट पर कितनी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि कितनी क्लासेस, कितने घंटे की क्लासेस कौन से सब्जेक्ट पर चलेंगी। साथ में इधर भी आप लोग देख सकते हैं यूपीपीसीएस पर और बिहार पीसीएस पर कितनी क्लासेस हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं, सेम थंबनेल लगा हुआ होगा। और आप लोगों के आई कार्ड बहुत सारे लोगों को बन गए, लेकिन आई कार्ड अब ज्यादा होने के कारण हम 8-10 स्लाइडें क्या हो गई है, आई कार्ड से ही भर जाती। तो हमने क्या किया है, इसको हमने हटा करके हमने नाम लिख दिए हैं। तो ये बॉयज के नाम आपको देखने को मिलेंगे, मैं साइड से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि मेरा नाम इसमें आ गया है कि नहीं आया है। तो अगर आपका इसमें नाम है तो आपका आई कार्ड बन गया। तो अभी तक आपको नहीं मिला तो आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज करिए, इंस्टेंट आप लोगों के लिए जो आई कार्ड है आपका मिल जाएगा। इसी तरह से गर्ल्स लोगों का भी आई कार्ड इतने लोगों का बन गया है, तो अगर इसमें आपका नाम है, मैं फिर से साइड से हट जाता हूँ, आप लोग इसको रोक करके जूम करके देख सकते हैं, और इसमें अगर आपका नाम है तो डेफिनेटली आप लोगों का आई कार्ड बन गया है। ओके, और अगर आप लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग आई कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो जाकर के देखनी है, सेम थंबनेल वाला लगा हुआ है। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आराम से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया रखा है, और ऊपर आई बटन है वहां पर भी इसका लिंक दिया रखा है, जाकर के देख लीजिए, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। आप लोगों के लिए हम वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे।